सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हाँ तोड़ा अपना गुरविंदर सिंह। तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग। आज दे व्लॉग दे विच कैनेडा दी हर कैटेगरी बारे गलबात करनी है। गलबात करनी है कैनेडा दे बैकलॉग नू लैके, करंट प्रोसेसिंग टाइम नू लैके। बैकलॉग दे कुछ रिजल्ट आए ने, वो तुहाडे नाल पीपीआर भी शेयर करांगा ते उसे बेस दे उत्ते कि बैकलॉग दे विच जेकर तुहाडी फाइल चले गई है ते तुहाडे लई की सोल्यूशन हो सकता है या हुण तुहाडे लई किहड़े ऑप्शन बचे ने, उस बारे गलबात करांगे। कदों तुसीं अपनी फाइल नूं अकाउंट कर सकदे हो जो कि तुहाडी फाइल बैकलॉग दा पार्ट बन गई है, ते की प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है canada.ca दे हिसाब नाल, ते प्रैक्टिकली रिजल्ट किन्ने टाइम विच आ रहे ने। अज दे वीडियो दे विच इसे विषय दे उत्ते गलबात की जानी है। जेकर पहली बार चैनल देख रहे हो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो। मकसद साडा इक्को इक हुंदा है कि तुहाडे तक जो जानकारी पहुंचे वो सही, ऑथेंटिक, रियल ते वो जानकारी होनी चाहीदी है जो एक्चुअल विच तुहानू चाहीदी है। किसी भी तरह के प्रमोशनल कंटेंट ते असी जोर नहीं दिंदे। मकसद हुंदा है तुहाडे तक ऑनेस्टली, इमानदारी दे नाल सही इनफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। किसी तरह की असी वीजा फाइलिंग नहीं करते, इस करके कॉल ना करया करो। केप्स नोट एसओपी में जेकर कोई हेल्प चाहते हो तो वेलकम है। तुहाडा व्हाट्सएप का नंबर दिता हुआ है, मैसेज कर लो। जेकर तुसी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो मैसेज करो, अपॉइंटमेंट ले लो। जो अपॉइंटमेंट का टाइम होगा कॉल बैक करांगा, कोशिश करांगा तुहाडा हर डाउट क्लीयर किया जाए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो दे विच पहले मैं दस्या सीगा कि सब तो पहला आपां गलबात करते हैं कि करंट प्रोसेसिंग टाइम कैनेडा का की चल रहा है, तो प्रैक्टिकली एक आपां canada.ca की गल करनी है, ते एक आपां प्रैक्टिकली की किस टाइमलाइन दे विच रिजल्ट आ रहे ने, ते उस तो बाद आपां बैकलॉग की गल करांगे ते बैकलॉग की तुहाडे नाल पीपीआर भी मैं शेयर करांगा कि फाइल कदों लगी सी ते किन्ना टाइम बाद वीजा आया। हुण देखो, सब तो पहला आपां canada.ca दे हिसाब दे नाल ते प्रैक्टिकली आपां कंपैरिजन कर रहे हैं कि किहड़ा प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। सब तो पहला आपां गल करांगे कैनेडा दे स्टूडेंट वीजा दी। तां स्टूडेंट वीजा दे लई तुसीं जेकर फाइल लगाई है कैनेडा या लगाउण बारे सोच रहे हो, तां जिहड़ा करंट प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वह 10 वीक का चल रहा है canada.ca दे हिसाब दे नाल। जेकर प्रैक्टिकली जाइए नॉन एसडीएस के केस दे विच 10-10, 15-15 दिन दे विच भी रिजल्ट आउट हो रहे ने, मैक्सिमम रिजल्ट विद इन मंथ आउट हो जाते हैं। जेकर गल नॉन एसडीएस केस की कर लिए, तो एसडीएस केस दे विच महीने दे विच रिजल्ट आ रहे हैं, नॉन एसडीएस दे केस दे विच 15 दिन च भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर केसिस दे विच। किसी किसी केस दे विच जिहड़ा वो वध टाइम लग रहा है, नहीं तो लगभग 45 दिन दे विच भी सारे रिजल्ट जिहड़े वो आ रहे हैं। कुछ कु रिजल्ट नूं छड्ड के कुछ फाइल्स दे विच टाइम ज्यादा लग रहा है। ये canada.ca ते प्रैक्टिकली गल कर रहा मैं। उस तो बाद गल कर लैने आ सुपर वीजा की। सुपर वीजा दरअसल जेकर तुहाडे जेकर तुसी PR हो कैनेडा दे विच ते अपने माँ प्यो नूं इत्थों बुलाना चाहते हो, यानी कैनेडा विच जेकर तुसी सैट हो ते इत्थे अपने उत्थे अपने माँ प्यो नूं बुलाना चाहते हो सुपर वीजा ते, तां उस दे वास्ते जिहड़ा करंट प्रोसैसिंग टाइम चल रहा है सुपर वीजा का वो चल रहा है 134 दिन का, यानी कि 134 डेज लग सकते हैं जेकर तुसी सुपर वीजा ते अपनी फैमिली नूं अपने माँ प्यो नूं बुलाना चाहते हो। ये जिहड़ा वो canada.ca दे हिसाब नाल, ते जेकर प्रैक्टिकली गल की जाए विद इन 2 मंथ दे रिजल्ट जिहड़े है इस केस दे विच भी आ रहे हैं मैक्सिमम। उस तो बाद गल कर लैने विजिटर वीजा की या टूरिस्ट वीजा की। कैनेडा लई जेकर तुसी विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा लगाया तां तुहाडा रिजल्ट 70 दिन दे विच विच आ जाएगा। ये canada.ca दे हिसाब दे नाल टाइम फ्रेम है। जेकर आपां प्रैक्टिकली जाने हैं विद इन मंथ, नहीं तो 2 महीने के विच विच तुहाडे रिजल्ट जिहड़े है वो देखने को मिल रहे हैं विजिटर वीजा के केस के। हुण गल कर लैने वर्क परमिट की। जेकर कैनेडा के लिए तुसी वर्क परमिट अप्लाई किया है तो वर्क परमिट का जो करंट प्रोसैसिंग टाइम चल रहा है canada.ca के हिसाब के नाल 8 वीक का है, तो जेडे रिजल्ट प्रैक्टिकली आ रहे हैं वह तकरीबन 15 दिन तो लैके तो 2 महीने के मैक्सिमम रिजल्ट आउट हो रहे हैं प्रैक्टिकली। ये चीज़ है। हुण गल कर लैनी है कि कदों आपां बैकलॉग का पार्ट अपनी फाइल नूं समझिए, तो बैकलॉग में जेकर फाइल चले जाए तो उसका सल्यूशन की है, आपां कर की सकते हैं। देखो, जो भी canada.ca के हिसाब के नाल प्रोसैसिंग टाइम दिता हुआ है, जेकर तुहाडा इस तों वध समां लग गया तो तुहाडी फाइल का रिजल्ट नहीं आया,
इट मीनस कि तुहानू थोड़ी बहुत ही टेंशन लैन की जरूरत हैगी है। फिर तुसी उस कंडीशन दे विच वेब फॉर्म रेस करने शुरू करो। 15-15 दिन के अंतराल से तुसी वेब फॉर्म रेस कर सकते हो। कईयां दा सवाल यह भी हुंदा है कि सर वेब फॉर्म रेस करना की साड़ी फाइल ते कोई नैगेटिव इंपैक्ट ते नहीं पावेगा, कि साड़ा वीजा रिफ्यूज ते नहीं हो जाएगा कि असी बार बार वेब फॉर्म रेस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तुहाडा ते एम्बेसी का कम्युनिकेशन का इको एक जरिया हुंदा है जो बेहतर है, जो कह जो एम्बेसी के वलों तुहानू दिता गया वह हुंदा है वेब फॉर्म। सो वेब फॉर्म के थ्रू तुसी अपने आप नू कह सकते एम्बेसी नू दस सकते जो कि जी असी वेट कर रहे हैं रिजल्ट हाले जिहड़ा वह साडा हाले तक क्यों नहीं आउट होया। हुण कोई भी इहदा नैगेटिव इंपैक्ट नहीं हैगा। 15-15 दिन के फर्क के उत्ते तुसी वेब फॉर्म रेज कर सकते हो। पर जो canada.ca के हिसाब के नाल तुहाडी प्रोफाइल के हिसाब नाल टाइम दिता होया जेकर वो टाइम फ्रेम के अंदर हो तुसी तां वेब फॉर्म इसलिए रेज बिल्कुल नहीं करना हैगा। हाँ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या होर किसी मंतव नाल करना चाहते हो तो वह गल वक्री है। हुण गल कर लैंदे आ कि जेकर तुहाडा रिजल्ट जो canada.ca के हिसाब के नाल टाइम है उस तो बाद 2 महीने या 1.5 महीने लेट हो जाता है तो अपने आप को काउंट करना शुरू कर दो जी बैकलॉग का पार्ट तुसी बनते जा रहे हो। हुण उस बैकलॉग के पार्ट में जेकर तुहाडी फाइल फसी है तो उहदे विच फाइल कढ़न का इको एक तरीका हुंदा है वेब फॉर्म। तो जिवें मैं दस्या सीगा 15-15 दिन के अंतराल के उत्ते वेब फॉर्म रेज करते रहो, होर तुसी कुछ नहीं करना। जेकर बहुता ही ज़्यादा लंबा बैकलॉग है जिवें मान लिया कई मेरे को कॉल्स अजिहियां भी आई हैं कि सर मैं 1.5 साल 2 साल हो गए। देखो एक अद्धे साल तक तो आप वेट कर सकते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हुण इह ते तुहाडे उत्ते तुहाडे कह सकते आप कि पेशेंस के उत्ते डिपेंड करता है तुसीं कितना वेट कर सकते हो, नहीं तो तुसीं फाइल विदड्रॉ करके दोबारा भी ला सकते हो ताकि रिजल्ट तुहानू जल्दी मिले, क्योंकि हर प्रोफाइल के लिए रिजल्ट जिहड़ा वो लगभग हर कैटेगरी के लिए फास्ट ही आ रहा है। सो विदड्रॉ करके फाइल लगायो, पैरलर फाइल तो बचो। उस तो बाद गल कर लैंदे आ कि बैकलॉग के रिजल्ट कदों क्लीयर होणगे। देखो किते भी जदों भी आपां कोई इमीग्रेशन दी न्यूज़ देखते हाँ, भावें उह CIC न्यूज़ करिए देख लीए या फिर होर कोई भी जिहड़ा जरिया है साडे तक इनफॉर्मेशन पहुँचाउण दा, या फिर कैनेडा दा कोई भी इमीग्रेशन तो रिलेटेड कोई भी अधिकारी या फिर कह सकते कि कोई भी मिनिस्टर बयान दिंदा या जस्टिन ट्रूडो बयान देंदे ने या फिर उन्होंने जिहड़े इमीग्रेशन मिनिस्टर ने वो बयान देंदे ने, तो टाइम टू टाइम तुहानू अपडेट करते रहिंदा है। तो हर वेले वीज़ा ऑफिसर नूं यही कहा जाता है कि वीज़ा ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो बहुत कह सकते तनदेही दे नाल काम हो रहा है, तो बहुत जल्दी बैकलॉग क्लीयर हो जाएगा। बट मैं तुहानू दस दिना कि बैकलॉग नूं लैके एक चंगी खबर हैगी है। चंगी खबर यह है कि एक फाइल का रिजल्ट आया जो PPR तुहानू स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। कुछ ग्रुप्स ने जिहड़े बैकलॉग दे ने, ते खुद मेरे ग्रुप दे विच भी ये शेयर होई PPR, ते क्या गया कि इहदे उत्ते एक वीडियो बनाओ। तो मैं सोचा कि आपां क्यों ना एक चंगी वीडियो बनाईए इहदे उत्ते, ते एक जिहड़ा canada.ca ते प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आ रहे ने उहदा कंपैरिजन करके ते बैकलॉग दी भी गल कर लैंदे। सो इस करके मैं इस वीडियो नूं थोड़ा जिहा लेंथी कर लिया, बट हाँ तुहाडे तक सही ते कह सकते रिसर्च बेस्ड जानकारी जेकर होवे, थोड़ी जी फैक्ट बेस्ड जानकारी होवे ते तुहानू भी थोड़ा एक समझण दे विच ईजी हुंदा है। ते दूजी गल जिहड़ा भी नवां जुड़िया या फिर जिन्हों इमीग्रेशन बारे उन्नी नॉलेज नहीं हैगी उहदे लई भी समझना थोड़ा जिहा ईजी हो जाता। हुण स्क्रीनशॉट देखो तुसीं, इह फाइल सबमिट होई सीगी कन्फर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन March 2022। उस तो बाद सबमिशन कन्फर्मेशन हो गया 24 मार्च 2022। इन्हों की बायोमैट्रिक इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये रीअप्लाई केस से पहला रिफ्यूज़ हो चुके थे। उस तो बाद इन्हों की मैडिकल रिक्वेस्ट आती है 4 जनवरी 2023। तो उस तो बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 2 मार्च 2023। कोरसपोंडेंट लैटर इन्हों एक मिल गया 10 फरवरी 2023। तो हुण ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट जी है वो March 2, 2023, यानी कि 2 मार्च नूं इन्हां नूं वीज़ा मिलिया है। तो जेकर इन्हूं ओवरऑल देखा जाए तो March 2022 फाइल लगी सी, March 2023 वीज़ा मिलिया, यानी 1 साल बाद इन्हां नूं लगभग या 1 साल होने वाला है, होर 10-20 दिन बाद हो जाएगा, 1 साल बाद इन्हां नूं वीज़ा ग्रांट होया है। सो इन्हां दी फाइल एक बैकलॉग का हिस्सा सीगी। सो इस PPR तो तुसीं उम्मीद कर सकते जो कि जिन्हां दी फाइल बैकलॉग विच है उन्हां दे लई एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। सो उम्मीद करता है कि इस दे नाल थोड़ा जिहा तुहानूं बूस्टअप जिहड़ा ओह जरूर मिलिया होवेगा। बाकी
जेकर तुहाड़ी फाइल नूं लैके तुहाड़ा सारयां दा कोई कंसर्न है, जेकर तुहाड़ी फाइल बैकलॉग दा हिस्सा है तां वैफ नूं वध तों वध रेज करो, 15-15 दिन दा एटलीस्ट अंतर रखियो रेज करन लग्यां। उस तों बाद जेकर तुहाड़ी फाइल नूं लैके कोई कंसर्न है वट्सएप ते मैसेज कर लियो, अपॉइंटमेंट लै लियो, जो टाइम फ्रेम होवेगा कॉल बैक करांगा, कोशिश करांगा कि तुहाड़ा हर डाउट क्लीयर करा। उम्मीद करता है कि ब्लॉग पसंद आया होगा, किसी तरह की वीजा फाइलिंग नहीं करते इस करके कॉल ना कराया करो, चैनल सबसक्राइब कर लो, वो शेयर करो, थोड़ा अपना चैनल है ते नाल दी नाल तुहानू दस देना है जेकर केव्स नोट या एसओपी च कोई हेल्प चाहते हो तो वेलकम है, स्वागत है, थोड़ा असं ये हेल्प कर दें, प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो भी वेलकम है। सत श्री अकाल।